ఇవ్వబెట్టాలన్న ఫ్రేమ్ మంచు కొడుకు వస్తే जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्वगण, समाज के विभिन्न वर्गों से मंच पर विराजमान महत्वपूर्ण नागरिकगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हैदराबाद के अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधिगण, आप सभी को नमस्कार। मीडिया के प्रतिनिधिगण, आप सभी को नमस्कार। मीडिया के मित्रों, जरा सेट करके बैठ जाइए प्लीज। कैमरामैन सारे यहां फोकस करके बैठ गए, मैं यहीं खड़ा रहकर बोलने वाला हूं। बैठ जाइए भैया, मैं जिद्दी टाइप का एक संयोग है। बहुत समय पहले कार्यक्रम का तय हो चुका था, परंतु कल ही इलेक्शन की घोषणा हुई और आज मैं आप सबके बीच में हैदराबाद में तेलंगाना की राजनीति में आप सबके बीच में। जब किशन जी ने बताया कि अलग अलग समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोगों के साथ मुझे बातचीत करनी है, मुझे लगा कोई हॉल के अंदर कार्यक्रम आयोजित करा होगा, परंतु एक लॉन में कर दिया है। थोड़ी असुविधा आप लोगों को हो रही है। सबसे पहले पार्टी की ओर से आपको जो असुविधा हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में तेलंगाना की जनता ने तय करना है कि अगले 5 साल तक तेलंगाना का शासन किस व्यक्ति के हाथ में रहेगा, किस पार्टी के हाथ में। और कुल मिलाकर तेलंगाना के सामने 3 ऑप्शन है। एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कांग्रेस पार्टी है और तीसरा अभी जो तेलंगाना में शासन कर रहे हैं चंद्रशेखर राव जी की पार्टी। ये तीनों पार्टियों के बीच में से तेलंगाना की जनता ने तय करना है कि आने वाले 5 साल तक तेलंगाना का शासन किसको देना है। इसकी बात करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को 10 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। 2013 का देश का परिदृश्य मैं आपको याद कराना चाहता हूं। 2013 में इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी और ये सारी वंशवादी पार्टियों का एक जमघट 10 साल से देश पर शासन कर रहा और 10 साल के बाद 2013 में इस देश की स्थिति क्या थी, 2013 में इस देश की स्थिति पूरे देश के अंदर एक अविश्वास फैला था कि भारत का कल क्या होगा। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार एक के बाद एक कांग्रेस शासन के, कहीं हाईकोर्ट के द्वारा, कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कभी विजिलेंस कमीशन के द्वारा बाहर आ रहे थे और एक भारी अविश्वास का माहौल बन गया था कि हमारी सिस्टम पूरी कॉलेप्स हो गई है क्या, देश की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं। दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह चरमराई हुई।
आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी देश के अंदर घुसकर बम धमाका करते थे, जवानों के सर काटकर ले जाते थे। दिल्ली की सरकार में मौनी बाबा मनमोहन सिंह ऊफ नहीं कर सकते थे, कोई पत्ता नहीं। विदेशों के अंदर देश की साख नीचे 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 जा रही, युवा आक्रोश से भरा था, महिलाएं असुरक्षित थी, उद्योगपति अपनी डॉक्टर घोटाले करप्शन से आशंकित था। आज 9 साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप न लगा पाए, इस प्रकार से भारत सरकार चलाने का काम है। आंतरिक सुरक्षा आजादी के बाद कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी आंतरिक सुरक्षा भारत की मजबूत है। 9 साल के अंदर पुरानी आदत पड़ी थी कांग्रेस शासन की, पाकिस्तान को अंदर घुसकर बड़े बड़े धमाके करने की। उरी और पुलवामा में 2 कांड किए, दोनों कांड में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि आज वो सारे अपने जगह पे ठिकाने। जो दुनिया में कभी भारत के प्रधानमंत्री जाए तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष के कैलेंडर में उसका उचित स्थान नहीं होता था। विदेशों में वो भारत का सम्मान G20 के वक्त हमने देखा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर देश के 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ सम्मान देते थे। उस वक्त हर भारतीय का छाती गदगद हो गई। दुनिया में कोई भी समस्या हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पर्यावरण का मसला हो, चाहे सोलर अलायंस बनाना हो, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात करनी हो, चाहे टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, हर जगह पे भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, इसकी दुनिया राह देखती है। और भारत के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उस रास्ते पर दुनिया के काफी देश आज चलने के लिए तैयार हो गए। देश का अर्थतंत्र पॉलिसी पैरालिसिस के कारण चरमराया हुआ था। अटल जी इस देश के अर्थतंत्र को 11वें स्थान पर छोड़कर गए थे। 10 साल तक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने शासन किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार किया कि देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 10वें नंबर पर नहीं जाने दिया, 11 नंबर संभाल कर रखा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 साल के अंदर इस देश का अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। और मुझे पूरा भरोसा है
कि 3 साल के अंदर दूसरे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, इसमें किसी को शक नहीं। भारत की विदेश नीति अस्पष्टताओं से भरी हुई थी, विदेश नीति और सुरक्षा नीति के बीच में कंफ्यूजन चलता था। मोदी जी ने भारत की विदेश नीति को स्पष्ट कर दिया, हम दुनिया भर के साथ सबसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं, मगर भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, भारत की रक्षा हमारी प्राथमिकता है, और इसके कारण एक स्पष्ट विदेश नीति के साथ हम आगे बढ़े हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सटीक नीति निर्धारण के कारण आने वाले 25 साल तक जो क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र की दिशा तय करने वाले हैं, चाहे वो सोलार एनर्जी की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की बात हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष के विज्ञान का उपयोग कर अर्थतंत्र को गति देने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर भारत ने आज पायोनियर स्टेटस प्राप्त कर लिया है, और इस लिंब पर, इस नींव पर आने वाले 25 साल में हम दुनिया का प्रमुख अर्थतंत्र बनने जा रहे हैं। इतने स्टार्टअप और इतने यूनिकॉर्न स्टार्टअप दुनिया कल्पना नहीं कर सकती थी, भारत 9 साल के अंदर इतने यूनिकॉर्न स्टार्टअप प्राप्त कर सकता है क्या? आज भारत के युवाओं को विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा करने के लिए एक मजबूत मंच, एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये 9 साल के अंदर देश की परिस्थिति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक प्रामाणिक नेतृत्व, एक विजनरी नेतृत्व, एक मेहनती नेतृत्व और एक जनता के साथ जुड़ा हुआ संवेदनशील नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व किया। और भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी। मैं आज इस खुले मन से निसंकोच कह सकता हूं, चंद्रशेखर राव कल अपनी पार्टी के सिद्धांतों की घोषणा करे अगर कोई है तो, किस पॉलिसी पर ये पार्टियां चलती है? कोई पॉलिसी नहीं है। कविता को जेल जाने से बचाना और केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना, इसके अलावे कोई लक्ष्य नहीं है पार्टी। ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का भला नहीं कर सकती। लोकतांत्रिक पार्टियों का चोला पहनकर अपने परिवार की राजनीति आगे कर रहे हैं। जिस पार्टियों में अंदर उनके संगठन में ही लोकतंत्र नहीं है, वो पार्टी लोकतंत्र के प्लेटफॉर्म का उपयोग जनता के कल्याण के लिए नहीं कर सकती, वो अपने परिवार के कल्याण के लिए कर सकती है। और मित्रों, इसीलिए मैं तेलंगाना की जनता को आज निवेदन करने आया हूं। यहां डॉक्टर बैठे, इंजीनियर बैठे, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अलग अलग समाज के लोग, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे लोग बैठे। आप लोगों ने तय करना है कि तेलंगाना को किस दिशा में जा, आप लोगों ने तय करना है कि तेलंगाना का भविष्य किस पार्टी के हाथ में। जिस गाड़ी का स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में हो, वो तेलंगाना को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकती। जिस गाड़ी का स्टीयरिंग राष्ट्रवादी ताकतों के हाथ में हो, वो ही तेलंगाना को सही रास्ते पर ले जा सकते। अभी अभी आजादी के 75 साल समाप्त हुए, आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी ने बड़े धामधूम से कोरोना हारने के बावजूद मनाया। अमृत महोत्सव मनाने के बाद उन्होंने देश की जनता का आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल
2023 से 2047 तक के 25 साल ये आजादी का अमृत काल है और आजादी के अमृत काल संकल्प लेने का समय है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का समय है। उन्होंने 130 करोड़ भारतीयों के सामने लक्ष्य रखा है कि हर क्षेत्र के अंदर जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो तब हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सबसे प्रथम हो, भारत ही प्रथम हो, ऐसे भारत की रचना करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसकी नींव डालने का है समय। चाहे 2023 का तेलंगाना का चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की और तेलंगाना की जनता ने तय करना है कि देश किसके हाथ में सौंपना है। अपने परिवार का सोचने वाले लोगों के हाथ में पहुंचना है, देना है, या समग्र देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने की सोचने वाले पार्टियों के हाथ में। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले नेतृत्व के हाथ में देना है, या एक भी घोटाले के बगैर 10 साल शासन कर चट्टान की तरह एक मजबूत भारत की रचना करने वाले नेतृत्व के हाथ में। और ये निर्णय करने का समय अगले महीने है। इसलिए मैं आज किशन जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। वैसे तो कोई इंसिडेंट है कि कल ही नोटिफिकेशन बाद पड़ा है और आज मुझे आपके सामने खड़ा होकर मेरी बात करने का उन्होंने मुझे मौका दिया। मित्रों, इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मुझे मालूम है जिस मंच पर से जिन लोगों के सामने कह रहा हूं उनके लिए चीजें कभी सहन करने का ईश्वर ने मौका नहीं दिया है। मगर जो 60 करोड़ लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था, जिनके घर में शौचालय नहीं था, जिनके पास घर ही नहीं था, पीने का पानी नहीं था, घर में गैस का सिलेंडर नहीं था, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, जिनको भरपेट खाने के लिए अनाज मुहैया नहीं कराया। 9 वर्ष के अंदर वो 60 करोड़ लोग, मतलब 10 करोड़ परिवार, 11 करोड़ परिवार को, 3.5 करोड़ लोगों को घर दिया, 9 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 3 करोड़ घरों के अंदर बिजली पहुंचाई और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज उन लोगों को देने की व्यवस्था करी है। कम से कम हर बच्चा भूखा न सोए इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की। अभी अभी जावड़ेकर जी कोरोना की बात कर रहे थे। कोरोना आया तब मैं भी मोदी जी के नेतृत्व में व्यवस्था में शामिल था। दुनिया भर के लोग अपने देश की चिंता नहीं करते थे। ये पश्चिम के देश, यूरोप के देश अपने देश की चिंता नहीं करते थे, हर रोज कहते थे भारत का क्या होगा, और चिंता वाजिब भी थी। 130 करोड़ की आबादी, कंपेरेटिवली हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, क्या होगा। मगर जब कोरोना समाप्त हुआ, सारी दुनिया ने स्वीकार करा कि कोरोना के सामने सबसे अच्छी लड़ाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत। कारण क्या? दुनिया भर में कोरोना के सामने लड़ाई सरकारें लड़ी, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग मिलकर कोरोना के सामने लड़े, तब जाकर हम जीते। जब मोदी जी ने कहा दिया जलाओ, राहुल बाबा मजाक उड़ाते थे। मोदी जी ने जनता कर्फ्यू किया, केसीआर गारू मजाक उड़ाते थे। मोदी जी ने घंटी बजाकर जागृति लाने की बात करी,
केटीआर ने हास्यास्पद निवेदन किया था। मोदी जी कोरोना का वैक्सीन देने की शुरुआत करी, राहुल गांधी ने कहा कि तो मोदी वैक्सीन है, भरोसा मत करिए। मित्रों, अमेरिका जैसे लोगों को देशों में भी वैक्सीनेशन करते 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 और वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट लेने में कई दिन लग गए, कई माह लग गए। भारत के अंदर 130 करोड़ लोगों का वैक्सीन, चाहे अरबोपति हो चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसको देने की व्यवस्था हुई और अपने मोबाइल पर मोदी जी के हंसते फोटो के साथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ गए। टेक्नोलॉजी का उपयोग शासन के अंदर किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी जी ने किया। G20 में सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष यहां आए थे, सब चकाचौंध कि आपकी ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था, डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था इतनी जल्दी से भारत जैसे देश में कैसे हो गई। कोई राष्ट्राध्यक्ष की पत्नी दिल्ली के बाजार में गई थी और सब्जी बेचने वाले की लॉरी पर पेटीएम का वो सिंबल देखा, जहां से मोबाइल से पेमेंट कर देते थे, उन्होंने ट्वीट किया था। ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। और अभी अभी कुछ महीना पहले, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं, मैं बचपन से सार्वजनिक जीवन में हूं, G20 होने के पहले ही जब चंद्रयान चंद्रमा पर सफलता के साथ उतरा, भारत का बच्चा बच्चा ये सफलता के साथ अपने आप को जोड़ लिया। हर आदमी का, हर बच्चे का, हर महिला का हृदय गर्व से भर गया कि भारत चंद्रमा पर पहुंच गया। मैंने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में ऐसा माहौल नहीं देखा था। 1986 में जब कपिल देव के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीते थे, तब शायद ऐसा कुछ माहौल बना था। उसके बाद पहली बार चंद्रयान का माहौल दिखा। मैं आज आपको एक मेरा निजी अनुभव कहना चाहता हूं। चंद्रयान हो गया, होने के सफल लैंडिंग हो गई, होने के बाद आधे घंटे बाद मैं एक मंदिर में, जहां रोज मैं जाता हूं, वहां दिल्ली दर्शन करने के लिए गया, हनुमान जी का धन्यवाद करने के लिए गया। बाहर एक माई सालों से वहां भिक्षा मांगती है, मैं 2012 से देख रहा हूं। दिन अच्छा था, मैंने बोला आज माई को भिक्षा दे, तो मैंने माई को कुछ देने का प्रयास किया। उन्हें कहा साहब आज कुछ नहीं लेना है। मैं क्यों माई, क्या हो गया, क्या चंद्रयान पर हमारा या चंद्र पर हमारा यान पहुंच गया, आज भिक्षा नहीं मांगनी। ये संतोष जो है देश के नागरिक को देश के विकास के साथ, देश की सिद्धियों के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। G20 के अंदर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत की व्यवस्थाओं की, भारत की सुरक्षा की, भारत की अर्थतंत्र की और भारत के विदेश नीति की जब प्रशंसा करते हैं तो मन खुशी से फूल जाता है। और अभी अभी नई पार्लियामेंट का लोकार्पण और नई पार्लियामेंट में पहला बिल इस देश की मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन देने का मोदी जी लेकर आए। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत जैसे देश में सर्वानुमत से इतनी सरलता से विमान रिजर्वेशन कैसे हो सकता है। मगर कहते हैं ना, दम है तो सब कुछ मुमकिन होता है। बच्चे इसीलिए नारा लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मित्रों, कई ऐसे मसले जो देश को सालों से अटके हुए थे और मेरी आयु के लोग ऐसा सोचने लगे थे कि ये कभी होगा या नहीं होगा। देश का संविधान बना तब से
ये देश की मन की इच्छा थी, हर नागरिक की इच्छा थी कि धारा 370 समाप्त हो जाए और कश्मीर इस देश के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। और इतनी बड़ी ऐतिहासिक गलती, मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने हंसते हंसते पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त कर दी। और जार्थ कश्मीर में 1 करोड़ 80 लाख पर्यटक जाते हैं और कश्मीर में आतंकवाद समाप्ति के कगार पर खड़ा है। जो लोग कहते थे धारा 370 को हाथ लगाओगे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने की। साले सो हम राह देख कर बैठे थे 550 साल से, अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। कितना बड़ा लंबा संघर्ष, शायद दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन किसी एक मुद्दे पर कहीं नहीं चला होगा। 550 साल से लाखों लोगों का बलिदान, निर्णय नहीं होता था और खून का कतरा बनाए बगैर मोदी जी ने वहां भूमि पूजन भी कर दिया और जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर भी। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, ये सारी चीजें पहले अमेरिका और इजराइल के लिए रिजर्व मानी जाती थी। मोदी जी ने ये दो देशों के नाम के साथ हमारे महान देश भारत का नाम जोड़कर भारत को सुरक्षित बनाने का काम, और ये सारा इसलिए हो सका है कि विचारधारा का आधार पर चलने वाली पार्टी शासन कर रही है, एक मजबूत पारदर्शी प्रामाणिक और मेहनती संवेदनशील नेतृत्व इस देश का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है मित्रों। आज दुनिया में दूसरे नंबर का देश है मोबाइल बनाने वाला भारत है, तीसरा बड़ा स्टार्टअप रखने वाला देश भारत है, रिन्यूएबल एनर्जी में हम 4th नंबर पर पहुंचे हैं, कई प्रकार के सिद्धियां हमारे देश के अंदर हमने प्राप्त की। और मोदी जी ने परिवार की पॉलिटिक्स को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म करेगा वो ही देश पर शासन करेगा, इसको एस्टैब्लिश करने का काम। और अभी सारे इकट्ठा हो गए, आपने देखा होगा एक के साथ एक हाथ मिलाकर बड़े लंबे 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 फोटो आते हैं, क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारी परिवारवादी पार्टी है जो अपनी अगली पीढ़ी के लिए राजनीति के अंदर है। हम अगली पीढ़ी के लिए राजनीति में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है तो भारत माता को विश्व में सबसे पहले स्थान पर पहुंचाने। जब उद्देश्य ही परिवार का कल्याण करने का हो तो जन कल्याण नहीं हो सकता। और मैं तेलंगाना की जनता को यही कहने आया हूं, आंतरिक लोकतंत्र न हो, परिवारवादी पार्टियां हो, सिद्धांत कोई नीति न हो, ऐसी पार्टियों के हाथ में तेलंगाना को मत दीजिए। और मैं तो कई बार सोचकर परेशान हो जाता हूं, तेलंगाना के लिए निजाम से क्रूर शासन की मुक्ति से बड़ा कोई बात हो सकता है क्या? मुझे बताइए आप लोग, इससे बड़ी बात कोई तेलंगाना के लिए हो सकती है क्या? 17 सितंबर हैदराबाद विमोचन दिन, जब केसीआर ने पार्टी बनाई उन्होंने कहा था कि हम इसको राज्य के उत्सव के रूप में मनाएंगे, मगर हिम्मत नहीं चली, तुष्टिकरण की राजनीति के कारण मजलिस का साथ चाहिए। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मोदी जी ने 2 साल से
17 सितंबर परेड ग्राउंड के मनाने का निर्णय किया है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हर गांव, हर चौपाल, हर जिले के अंदर हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाएगा। तेलंगाना की आजादी पर, भारत की आजादी पर आप गर्व नहीं कर सकते? किस प्रकार की तुष्टिकरण की, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की इतनी अहमियत तो हो सकती है क्या? और अगर यही है तो इसके आधार पर बैठे हो, इसका सपोर्ट लेकर बैठे हो, कैसे तेलंगाना का आप भला कर सकते हो? हैदराबाद शहर का भला कैसे हो सकता है? अरे मैं तो भाग्य लक्ष्मी माता के दर्शन करने गया, उन्होंने कहा कि ये यहां आकर एटमोस्फियर बिगाड़ कि सीआर बाबू, मेरा भाग्य लक्ष्मी माता के दर्शन करने से एटमोस्फियर नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता है, तेलंगाना का भाग्य अच्छा होता है। किस प्रकार की सोच के साथ ये लोग आगे बढ़े? वो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हम विकास और आत्मविश्वास की राजनीति कर रहे हैं। हम वो लोग एंटाइटलमेंट की बात करते हैं, हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और वो लोग परिवार के लिए काम करते हैं, हम तेलंगाना के लिए, भारत के लिए काम करते हैं। मित्रों, केसीआर के नेतृत्व में नीलू, निधुलू और नियम कोलू के सूत्र के साथ उन्होंने आंदोलन किया था। तीनों की स्थिति क्या है? जल जैसी पवित्र कोई चीज नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के शरीर में 60% पानी होता है। जल के बगैर जीवन संभव ही नहीं है, जल के बगैर कृषि संभव ही नहीं है, जल के बगैर अर्थतंत्र का विकास संभव ही नहीं है। ये मुद्दे पर अलग तेलंगाना का आंदोलन चला और आपने कालेश्वरम योजना में भ्रष्टाचार कर संपत्ति बनाने का काम किया। शर्म आनी चाहिए आप। पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन योजना में भी बड़ा कौभांड किया और 5 साल तक पूरा नहीं हो पाया। आपने नीलू का वादा पूरा नहीं किया। आपने निधुलू की बात करें, धन की बात करें, तो तेलंगाना को जब तेलंगाना राज्य बना, जब 400 करोड़ सरप्लस था, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, और आज टोटल 7.5 लाख करोड़ का ऋण तेलंगाना जैसे छोटे राज्य के सर पर डाल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव को, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, 9 साल में 9 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किया है। चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वंदे भारत बनाना हो, चाहे यूनिवर्सिटियां बनानी हो, चाहे इंस्टीट्यूशन लाने हो, तो आपने 7.5 लाख करोड़ कहां डाले? हर गरीब को अनाज मोदी जी भेज रहे हैं, गैस का सिलेंडर मोदी जी ने बेचा, शौचालय मोदी जी ने बना कर दिया, रोड मोदी जी ने बनाए, मेट्रो, ट्रेन और वंदे भारत मोदी जी ने बनाए, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन मोदी जी ने किया, तो आपने ये 7.5 लाख करोड़ कहां डाले? इसका हिसाब तेलंगाना का युवा आज आपसे मांग रहा है, लेकर जाना। और रोजगार की बात करें तो एक बार मेरा केसीआर से विनंती है कि अपने दोनों घोषणा पत्र को एक बार सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की एक आम सभा में पढ़ ले, हिम्मत है तो। उन्होंने दलित को छला, युवा को छला है, आदिवासियों को छला है, हर जगह पे वादा खिलाफी की, करप्शन किया है,
केसीआर ना शिक्षा में भर्ती कर पाए, ना यूनिवर्सिटियों में, ना छोटे अस्पतालों में भर्ती कर पाए। रोजगारी का वादा आपने, रोजगारी के वादे पर आप फेल हो गए केसीआर साहब। आपको तेलंगाना की जनता से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, इसीलिए मैं आज आप सबके सामने आया हूं। आप सब लोग, आपका सिर्फ एक वोट नहीं है, आपका मत, आपका वोट अनेक लोगों का मार्गदर्शन करने वाले वोट के, आप समाज के अंदर एक विशिष्ट स्थान रखने वाले लोग हों। एक डॉक्टर होता है तो खुद तो सोचता ही है, साथ में हजारों लोगों को मार्गदर्शन भी करता है। एक शिक्षक होता है तो सैकड़ों लोगों का मार्गदर्शन करता है। आपकी जिम्मेदारी है कि पैसों के बल पर किए हुए प्रचार की बात में आना है या कॉन्क्रीट डेवलपमेंट किस पार्टी ने किया है और कौन पार्टी कर सकती है इसका इवेल्यूशन कर वोट तय करना है। क्या मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत बनाने की यात्रा में तेलंगाना जुड़ना है या केसीआर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो पार्टी काम कर रही है इसके साथ जुड़ना है। और केसीआर हर सप्ताह एक अफवाह चला देते हैं कि हम एनडीए में जाएंगे, हम ये करेंगे। मैं सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने कहकर जाता हूं, हमारा केसीआर के साथ कभी बैठना नहीं हो सकता। जो मजलिस के साथ है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकते। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो परिवारवादी, उनके साथ हम नहीं जा रहे। अरे केसीआर बाबू, काहे को झूठ बोल रहे हो? आपके विरोधी वोट में बंटवारा करने के लिए कांग्रेस मजबूती से लड़ने का नाटक कर रही है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि यहां से केसीआर का शासन जाए। केंद्र में शायद कुछ कम पड़ जाए तो केसीआर इनकी मदद करे, मगर आप दोनों निराश होने वाले हो। केंद्र में फिर से दो तिहाई बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, कांग्रेस को वोट दोगे तो भी मजलिस के पास जाएगा और केसीआर को वोट दोगे तो भी मजलिस के पास आएगा। कांग्रेस को वोट दोगे तो भी भ्रष्टाचारी शासन आएगा, केसीआर को वोट दोगे तो भी भ्रष्टाचारी शासन आएगा। कांग्रेस को वोट दोगे तो भी परिवार की पार्टी चलेगी, केसीआर को वोट दोगे तो भी परिवार की पार्टी। अगर मजलिस से निजाज पानी है, भ्रष्टाचार विहीन शासन प्राप्त करना है और तेलंगाना का कल्याण करने वाली सरकार लानी है तो एकमात्र रास्ता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं इसलिए आज हैदराबाद के सुग्नजन मेरे सामने बैठे हैं, इस सबको करबद्ध विनंती करने आया हूं कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कई बार एक फैसला दशकों के लिए राज्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, इतना ही महत्वपूर्ण चुनाव है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मोदी जी पर भरोसा करिए, भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में सरकार बनाने का मौका दीजिए। हम तेलंगाना को भारत का सबसे अच्छा राज्य बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।